एक बहुत अच्छा कोटेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, स्वामी विवेकानंद का एक शानदार कोटेशन है। अगर एक दिन भी ऐसा बीता कि तुम्हें एक भी परेशानी नहीं आई तो समझ लो तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। स्वामी विवेकानंद का सेंटेंस है। तो जो लोग ये रोते रहते हैं ना, मुझे रोतलू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कई बार अपने क्लास में भी बोल चुका हूं, ऐप पर ऑफलाइन में भी बोलता हूं, कई लोगों का काम होता है रोते ही रहना, करना कुछ नहीं। सर मुझसे ये नहीं बन रहा, मैं उनसे पूछता हूं तुमने क्या किया, बोले सर अभी शुरू नहीं किया, बस बनता नहीं है, ये नहीं हो रहा है। रोना बंद करो यार, मैं पहले भी बता चुका हूं, तुम्हारी समस्या से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है किसी से फर्क नहीं पड़ता। जीतेगा वही जो कंटिन्यू बहेगा। आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी में बताना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा कि जो लगातार बहता जाएगा, लगातार बहता रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि एक बूंद भी पत्थर पे रोज गिरे तो छेद कर देती है, सुराख बना देती है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अमेजॉन का है, अमेजॉन रिवर आपने सुनी होगी, लंबाई के मामले में दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात की जाए तो वॉल्यूम यानी आयतन, पानी की क्षमता, सबसे ज्यादा पानी जो है किसी नदी में है दुनिया में, विश्व में, तो वो अमेजॉन है। एक बार रिसर्च हुई कि यार अमेजॉन का इतना इतना वॉल्यूम है, इतना पानी है, दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबाई के मामले में दूसरी, वॉल्यूम के मामले में पहली, और इस नदी पे 100 डैम बने, 100 डैम्स, 100 डैम बने हैं इस नदी पे, तो भी इसका पानी कम नहीं होता है। पानी आता कहां से है, इस पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी। और आपको अभी मैं जो दृश्य दिखाने वाला हूं ना, आप आश्चर्य करोगे कि अमेजॉन नदी निकलती कहां से है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे बहुत भव्य धारा होगी, कोई जल प्रपात होगा जहां से नदी निकल रही है, लेकिन आप, और ये गूगल पे अवेलेबल है, आप सिंपल लिखना अमेजॉन रिवर ओरिजिन, अमेजॉन नदी कहां से निकलती है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अमेजॉन नदी का दृश्य है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये जो धारा बहती हुई दिख रही है ना, इससे अमेजॉन नदी निकलती है। अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि इतना सा पानी रोज चलता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी इस नदी में है, आखिर ये कैसे हुआ। तो पता चला कि करोड़ों अरबों वर्ष से ये धारा कभी रुकी नहीं है। निश्चित रूप से पानी कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, बूंद बूंद करके पानी बहता है, लेकिन ये करोड़ों अरबों वर्षों से रुका नहीं है। सिर्फ इस एक रीजन के कारण अमेजॉन का पानी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक रीजन के कारण। आप इससे समझिए, लगातार जो चलता रहेगा वो अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा।